हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी तैयारी के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं लेकर आई हूँ 1 मिलियन जीके क्वेश्चन सीरीज़ इन हिंदी। यूट्यूब पर पहली बार मैं ये लेकर आई हूँ 1 मिलियन क्वेश्चंस की सीरीज़। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसको याद भी रखना है, इसको अपने लैंग्वेज में मतलब कि अब मेमोराइज करना है, इसको इसको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि एक बार देखने से कोई भी चीज़ आप लोगों को लर्न नहीं रह सकती है। इसीलिए आपको बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग 1 मिलियन क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जो मेरे चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वो मेरे प्लेलिस्ट 1 मिलियन क्वेश्चन जीके सीरीज़ में आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पे MPPSC मेंस, UPPSC मेंस, CTET, NVS सभी से रिलेटेड वीडियो दिखाई जा रही हैं, और स्पेशली MPPSC और UPPSC मेंस से रिलेटेड वीडियो, जो कि पूरी सीरीज़ में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, तो वो सीरीज़ में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो जो व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये सीरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है। और आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत सराहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट 3 और देखते हैं आज की सीरीज़ में नए क्वेश्चन किन टॉपिक पर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत के ऊपर कुछ 1 लाइनर जीके के फैक्ट्स लेकर आई हूँ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, अंतरिक्ष युग का सिग्नेस कब हुआ था? तो ये हुआ था 1957 से। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था 1962 में। अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना हुई थी 1972 में। PSLV का पूर्ण फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कुतिया थी, जिसका नाम था लाइका। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गागरिन, जो कि सोवियत संघ का था, 1961 में वो गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटिना तेरेश्कोवा, जो कि सोवियत संघ की थी, 1963 में गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था एलेक्सी लियोनोव, जो कि सोवियत संघ का था, 1965 में गया था ये। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला थी स्वेतलाना सवित्स्याका। ये अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई जो थे वो थे फार्म तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे स्क्वाइड्रन लीडर राकेश शर्मा। ये 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी भारतीय, जो वो थी कल्पना चावला, हरियाणा से थी, और ये 1997 में गई थी अंतरिक्ष में। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला थी सुनीता विलियम्स, ये 195 दिन अंतरिक्ष में थी और 2007 में गई थी अंतरिक्ष में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान था लूना 16। प्रथम भारत का प्रथम चालक रहित यान है लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है जो कि चालक विहीन है, जिसमें ड्राइवर नहीं था, ये था लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका का था, और ये 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर गया था। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जिससे नील आर्मस्ट्रांग गया था वो था अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने नील आर्मस्ट्रांग को भेजा था। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक था डेनिस टीटो USA। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसेह अंसारी थी, जो कि पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक थी। प्रथम अंतरिक्ष शटल था कोलंबिया USA।
ये हमने कर लिया था, अब हम करेंगे प्रथम यान था वाइकिंग 1, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था स्पुतनिक 1 जो कि सोवियत संघ द्वारा 1957 को छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ था। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एस टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन एमपीपीएससी यूपीपीएससी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून, ये चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान अलग अलग है दोनों, ये देहरादून में है। विक्रम भाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जिसको शार कहा जाता है वो स्थित है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसेट था। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो था वो रोहिणी। भारत का प्रथम संचार उपग्रह जो था वो एप्पल। और भारत का पहला चंद्रमा अभियान चंद्रयान 1 जो सफल हुआ था। तो आज की वन लाइनर जीके में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाएं और उनका ईयर क्या था वो देखेंगे। तो जो व्यूअर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और व्यू और शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं घटनाओं में भारत में आर्यों का आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व, मतलब कि बीसी आएगा, ईसा पूर्व को इंग्लिश में बीसी बोलेंगे, बिफोर क्राइसिस जीजस के पहले। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में, मतलब बीसी हम बीसी बोलते हैं यहाँ पर। महावीर का निर्वाण मतलब मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था 483 बीसी में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था 326 से 325 बीसी में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय हुई थी 261 बीसी में। विक्रम संवत शुरू हुआ था 58 ईसा पूर्व। शक संवत आरंभ हुआ 78 ईस्वी में। ईस्वी मतलब कि अब हम नॉर्मल हम एडी में आ गए हैं इसलिए इसे ईस्वी बोलेंगे। तो हिजरी संवत आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में। फाहियान की भारत यात्रा हुई थी 405 से 411 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी में। ह्वेनसांग की भारत यात्रा हुई थी 630 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। अब तराइन का दूसरा युद्ध देखते हैं, ये हुआ था 1192 ईस्वी में। गुलाम वंद की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। वास्को डिगामा का भारत आगमन हुआ था 1498 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का ही दूसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। ये सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है ताकि आपको लर्न करने में इजी रहे ये सब चीज़ें। अकबर का राज्यारोहण हुआ था 1556 ईस्वी में। हल्दीघाटी का युद्ध अकबर द्वारा लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। दीने इलाही धर्म की स्थापना हुई थी 1582 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त हुआ था 1793 ईस्वी में। बंगाल में प्रथम विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार 1919 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 के बीच। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 से और इसे समाप्त किया था 1922 में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। दांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं ये हुआ था 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 में। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 1948 में। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में। भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में।
प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1767 से 69 के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, मतलब अंग्रेजों और मैसूर राज्य का युद्ध, ये हुआ था 1780 से लेकर 84 के बीच। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। करगिल युद्ध हुआ था 1999 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 में। चीनी क्रांति हुई थी 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। और रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। चलिए आगे हम बात करेंगे भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में, कि उसके संबंध में क्या क्या मेन फीचर्स हैं, क्या क्या वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसे DRDO भी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसकी स्थापना हुई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। DRDO का जो मुख्य कार्य होता है वो रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान करना, डिज़ाइन करना तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना। भारत का एकीकृत प्रक्षेपात्र विकास कार्यक्रम IGMDP 1982-83 में प्रारंभ किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और जिसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। CSIR के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला, इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर, एक बैलिस्टिक प्रक्षेपात्र है। ये वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। आगे हम बात करेंगे पृथ्वी पर प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम प्रशिक्षण केंद्र से किया गया। पृथ्वी का जो परीक्षण था वो किया था 1988 में। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला, मारक क्षमता जिसकी 3500 किलोमीटर तक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि वन का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया था। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला, मारक क्षमता जिसकी 9 किलोमीटर है, प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण हुआ था 5 जून 1989 को। नाग एक टैंकरोधी निर्देशक प्रक्षेपात्र है, इसकी जो मारक क्षमता है वो 4 किलोमीटर है। इसकी मारक क्षमता भी आप लोग याद रखें तो बेस्ट रहेगा। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया था। नाग को दागो और भूल जाओ टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला, जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है, बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र है। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण हुआ था 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। जो युद्धक टैंक अर्जुन है, इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किया गया था, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया। तेजस जो है स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। प्रथम चालक रहित मानवीय जो भारतीय विमान है, लक्ष्य है, जो कि प्रथम चालक रहित है। निशांत जो है स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, जिसे कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं, वो है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। तो आज जो भी इंडिया के अनुसंधान परीक्षण आदि से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो यहीं ख़त्म होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट जरूर करिए हमारी वीडियो पे, आप लोग कैसी वीडियो देखना चाहते हैं और किस टाइप की वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग सक्सेस मंच।